वाहे गुरु, हे गुरु, जे तू सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाल। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाल। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करण हारा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करण चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलहारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को सिमर नाम जीवा।
सतगुर दीन दयाला, चरण कमल रे पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए, सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है,
सतगुरु होए दया ना कबू चूरिए, सतगुरु होए दया ना कबू चूरिए, सतगुरु होए दयाल का सरदार पूरिए, सतगुरु सतगुरु होए दयालता दुख ना जाइए, सतगुरु होए दयालता दुख ना जाइए, सतगुरु होए दयालता हर रंग सतगुरु होए दयाल हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल हर रंग मानिए, सतगुरु होए सतगुरु होए दयाल का सरदार, सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरिए, सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरिए, सतगुरु सतगुरु होए दयाल का सरदार। सतगुरु होए दयाल का जम का डर गया, सतगुरु होए दयाल का जम का डर गया, सतगुरु होए दयाल का सत ही सुख दिया, सतगुरु होए दयाल का सत ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल का सत ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल का सत ही सुख देहा, सतगुरु होए सरदापुरिए, सतगुरु होए दयाल का सरदापुरिए, सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरिए, सतगुरु होए Guru
सतगुरु होए दयाल नवनीत पाई सतगुरु होए दयाल नवनीत पाई सतगुरु होए दयाल सच समाई 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 सतगुरु होए दया ना कब हूँ चूरिए सतगुरु होए दया ना कब हूँ चूरिए सतगुरु होए दया ना कब सतगुरु होए दयाल शरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल शरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल शरदा तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाइया तुम शरणाइया आया ठाकुर तुम शरणाइया उतर गया मेरे मन का सन ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाइया तुम शरणाइया आया ठाकुर तुम शरणाइया Thank you.
अपना नाम जपाया था तुम शरणाइया, तुम शरणाइया आया तुम शरणाइया। अनंत अनंत गुण गाया था तुम शरणाइया, तुम शरणाइया आया था तुम शरणाइया। बिछड़ते
ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरणा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरणा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरणा चौकीर पार ब्रह्म सरणा।
ऐसा नाम निरंजन हो।
ऐसा नाम तेरे कुंजन हो, 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 ऐसा नाम समय जरा साढ़े अठ तो साढ़े नौ वो तो हो चलिया जी समा सारा। भाई साहब जी ने जो अनाउंसमेंट की कहते अखीरला टाइम भाई मनिंदर सिंह का, हूँ पता नहीं मेरा अखीरला टाइम सी ये सारा टाइम मैं संगत बार बार इशारे कर रही है कि कोई दो उंगलां करता है, कोई एक करता है कि दो शब्द होर एक शब्द होर, मैं कदे इधर देखदा कदे इधर देखदा, पिछे प्रधान साहब भी बैठे ने वो भी इशारा कर रहे ने पर मैं शब्द ओही गा रहा जो तुसी गा रहे हो, असल तुसी गा रहे हो, मैं तो सिर्फ तुहानू राग ताल ही दस रहा कि ये वड्याई सतगुरु ने गुरु नानक पातशाह जी ने अपने सिखां नूं दित्ती है कि तहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। ते बैकुंठ का मजा भी कल्ले नूं नहीं आउंदा, मैं बेनती करदा जदों सारी संगत नाल रलदी ना बैकुंठां च कल्ले ने रहना होवे मेरा ख्याल उहदा जी नहीं लग सकदा भावें बैकुंठां च रहना, क्योंकि जो संगत होवे गुरु होवे नाल तां ही जी लगे। तो असी सारे इस वेले गुरु के शब्द नाल बैकुंठ बनाई बैठे हैं। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बड़ी वड्डी कृपा है, धन गुरु नानक पातशाह जी की उच्ची सोच है। मैं कई बार बेनती करता हूँ ना जो सिखां कोल है ना गाउण नूं ते पढ़न नूं विचार नूं, वो शायद दुनिया की किसी धर्म कोल नहीं है। ये 1430 पन्ने भावें सारी उम्र गाई जाइए बड़ा ही आनंद इन कदे मुकदे नहीं ने, कदे ये नहीं सोचना पैंदा कि हुण की करिए, अपने बनाए दो चार गीत होंदे मुक जांदे फिर की करिए। ये बाणी और हर शब्द आनंद दिंदा और खूबसूरती हर शब्द गाया होया सतगुरां दा, संगीत विच परोया होया, संगीत नाल मन लग जांदा, मन नूं संगीत बन के रखदा, विच शब्द होवे बर्तन भी सोहना उस विच वस्तु भी अनमोल, फिर जद गुरसिख उस नूं रल मिल के छकदे ने रल मिल खर्चे खावे भाई, फिर आनंद बनता, फिर बैकुंठ बनता। तो तुहाडियां सीसां नाल मैं बैठा हाँ, मैनूं कोई काली नहीं, मैं तो कल नूं जाणा जी वापस। चड्डा साहब ने मैंने दो कमरे दिते हुए अपने गैसट रूम उ गैसट हाउस में, दो तीन दिन हो गए मैं मल्ली बैठा मैं जो तुसी सुनना चाहो मैं दसो। एक शब्द का हुक्म होया मैनू, ये थोड़ा औखा जी गज साढ़े तै तै धोतियाँ तीरे पाए तक, तो मैनू ये कि मैं गा भी सकाँ तुहाडे नाल। ये जो लिस्ट मैंने दिती सी मेरे कबीर ने हिंदू जेंटलमैन ने, वो बैठे ने कहिंदे मैं तुहाडा इश्तिहार कितने वैसे देख लिया रस्ते च, ते मैं आया सुनने वास्ते मैंने सारे शब्द सुना दो। मेरा ख्याल एक शब्द कोई ना जाने मेरा ये रह गया, ये भी मैं तुहानूं सुना रहा जी। आओ कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना जाने मेरा। मैं अगे भी शब्द गाउण लगा बेनती करदा हूं ना, तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब ते, ये पिंडा और इस विच जियो ये सब वाहेगुरु दा है, ये पिंडा भी उसका शरीर भी उसका इस विच जीवात्मा भी उसकी, ते जे इस शरीर नूं कोई वड्याई मिल गई फिर वड्याई किहदी होई जी, जे वड्याई तां तेरी वड्याई, जे शरीर ही परमात्मा दा बख्शिया ते वड्याई भी उहदे होई, जे कोई दिमाग विच कोई सोच चंगी आ गई कोई चंगा गुण है ये भी वाहेगुरु का बख्शिया, जे किसी के गुण में वड्याई मतलब वाहेगुरु की बख्शिश।
कहो नानक सब तेरी इनी गल साडी जिंदगी विच सानू समझ पै जाए मेरा ख्याल असीं हंकार तों बच सकदे आ। माण तां गुरु ते होएगा पर हंकार नहीं होएगा क्योंकि सब कुछ धोसे दा तो यह भावना लैके आया इस शब्द का गायन कर दें। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना कोई ना जाने मेरा कोई ना जाने मेरा कोई सबको लागू चीत आवे ता सेवा तू विसरे ता सबको लागू चीत आवे ता सेवा अगर न को दूजा सूजे साचे अलग अगर न को दूजा सूजे साचे अलग कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा खुद आ गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा।
प्यार चाहे जीत आवे तो सदा दयाला लोगन क्या चाहे बुरा भला तो किसनु कहिए सगले जी किसनु कहिए सगले जी तुम्हारे कहो नानक सब तेरे वडियाई कहो नानक सब तेरे वडियाई कहो नानक सब तेरे वडियाई कहो Oh, no.
बोले सो निहार चंगा नाम रखाए के, चंगा नाम रखाए के जस कीर्त जग ले, जे तिस नदर ना आवे वात ना पूछ। जे मनुख कहे के मेरी कोई वड्याई है, मेरा बड़ा नाम है, मैं करे अहंकार करे, जिन्ना मर्जी वड्डा होवे उहदी कोई बात नहीं पुछदा। ये ठीक है कि उहदा समा हुंदा 4-5 साल दा, उहदे विच जो मर्जी वो कहे कि मैं ही राजा, मैं ही मालिक है, पर उस तो बाद कोई नहीं पुछदा। तो जिन्हां ने यह गल कही कि कहो नानक साहब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने मेरा, उन्होंने दुनिया पूजती है, उन्होंने मानती है। निका जहा नुकता पर है बड़ा वधिया। हे परमात्मा, इस शरीर भी तेरा, इस विच जीवात्मा भी तेरी है, मेरा तो कुछ भी नहीं। जिहड़ा यह गल कहेगा परमात्मा सारिया वड्याइया उसनू दे दिंदा। तो जे कोई कहे मैं ही सब कुछ है, मैं ही सियाणा, मेरी मेहनत है, मेरी वजह करके मैनू दुनिया मानती है, उहनू कोई नहीं मानदा। सेवा विचों और सिमरन विचों सदीवी नाम प्राप्त होंदा है, जो रहिंदी दुनिया तक रहिंदा। ऐसे एक गुरसिख जे इंज भी कह लवां, बेशक पंथ दी महान हस्ती सी, पर असल विच वह इंसानियत दी महान हस्ती सी, भगत पूर्ण सिंह जी, जिन्हां दी कल 26वीं बरसी सी, जो पंजाब विच मनाई गई बड़े प्यार नाल, और तुहाडे दिल्ली दे रहण वाले जिन्हां नूं तुसीं जाणदे हो सरदार दलविंदर सिंह जी, उन्हां ने भी कोशिश कीती सी कि बंगला साहब मैनूं जगह मिल जाए मैनूं प्रोग्राम कराउण दा, पर पता नहीं गुरु जाने क्यों उन्हां नूं इजाजत नहीं मिली कि उत्थे प्रोग्राम करा सकन। हालांकि 2-3 बार चिट्ठियां लिखियां, उन्होंने जवाब भी मिले, पर खैर होएगी कोई मजबूरी। पर उस वीर ने जिन्ने कि मैं कीर्तन किए, मैं अपने तौर पर भगत जी के बारे संगत को दस सकिया हाँ। अज भी मैनु हुक्म सी हाओ बल बल जाओ, बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, क्योंकि भगत जी ने अपना जन्म सारा ही उस परमात्मा की बनाई हुई कुदरत दे रखे ला ला। कला इंसानां दी उन्होंने सेवा नहीं की, कुदरत की भी की, वातावरण की भी की है। बहुत ही प्यार वाली आत्मा। तो मैनू उन्होंने वीर दलविंदर सिंह जी ने हुक्म किया सी, शब्द सुना लिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, आप ही सरवण करो, फिर जे तुसी जाना हो चल जाओ, जे कहोगे तो मैं एक शब्द होर भी सुना सकता। तो हाँ बल बल जान रमैया कारण, कारण कवन अबोल। थोड़ी जी एक लाइन में अर्थ कर दें, ऐ परमात्मा मैं तेरे सदके जावा, मैनू इन्ना दस दे कि मेरे ना बोलता क्यों नहीं, अबोल क्यों नहीं बोलता, की गल होगी, कि गलती होगी, तेरे वर्गा तो दयाल कोई नहीं, मेरे वर्गा कोई दीन नहीं, तेरे वर्गा दयाल नहीं, मैं तेरे सदके जावा, मैनू दस दे तू मेरे ना बोलता क्यों नहीं। हाँ बल बल जा रामैया कारण,
हम सार दीन दयाल न तुम सार हम सार दीन दयाल न तुम सार अब पति यार क्या कीजे अब पति यार क्या बचनी तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे जन को बहुत जन्म बिछड़े थे मारो बहुत जन्म बिछड़े थे मारो एह जन्म तुम्हारे एह जन्म तुम्हारे कह रविदास आस जात जीओ कह रविदास आस जात जीओ चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन कई बारी कई शब्द ऐसे आ जाते ने हिला के रख देंगे ने जिन्हों कहते ये भी ऐसा कमाल का शब्द खरे केड़ी अवस्था च जीते ने महापुरश परमात्मा कह रहे कि मेरे न बोलता क्यों भगत कबीर साहब जी का भी एक शब्द है करवट दे मुख काहे को मारे वो कहते करवत भला ना करवत पे मेरे सिर से आरा चल जे वो तो मंजूर है पर तू मेरे तो पासा मोड़ लिया ये नहीं मैंने मंजूर तू मेरे ना बोलता क्या कैसी अवस्था होगी अंदाजा लगाना बड़ा औखा है किवें जींदे ने परमात्मा दे प्यार विच कहते बड़े जन्म हो गए विछड़िया नूं ये जन्म तेरे लेखे लग जे तू बख्शिश कर रहमत कर सानू भी कित ऐसी चिंता लग जाए कि जिन्हों की बाणी पढ़ते हाँ असं उन्होंने वर्गे हाँ के नहीं कदे सानू भी इस गल की चिंता लगी कि परमात्मा साढ़े नाल बोलता नहीं असं तो कभी बुलाया ही नहीं
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਤ ਸੇਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 1430 ਪੰਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ। ਤੋ ਪਗ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਗ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਤੋ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ DLF ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਾਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਿਊ ਕਾਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਾ। 29 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ,
और इकट्ठे असीं गुरु के बच्चे बन के बैठते हैं। तो कई बार मैं वध घट बोल भी जाता होवांगा, आप जी ने मैनूं जरूर बख्श देना, तो गुरु कृपा करे आप जी फिर दर्शन करा। आनंद साहब फिर समाप्ति जी आओ जी। राम कली महला तीजा, आनंद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु पाया सहज सिद्धि मन जियावा। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन साहेब क्या नाही कर तेरा सच्चा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब खालसा वाहिगुरु जी की फतह।